मैं ऑनेस्टली रियलाइज नहीं किया कि इंस्टाग्राम इतना बड़ा हिस्सा बन गया अपनी जिंदगी का. या आई वाज लाइक ओके एवरीथिंग सारा कुछ इंस्टाग्राम मतलब इट्स लाइक के तुसी ऑलमोस्ट अपने होने का वो की कहते एविडेंस दे रहे हो. एविडेंस दे रहे I'm just saying जे बंद हो जावे फिर की इन्ना भी एक ऐप से डिपेंड नहीं कर सकते कि उन्हें अपनी रियल जिंदगी दे नाल इन्ना जोड़िया हो बिकॉज मन नूं मार के नहीं. जे मेरा मन करता कि मैं डेली इंस्टाग्राम से पोस्ट करा जे मेरा मन करता तो मैं कर दी जे मेरा मन नहीं करता तो मन नूं मार के मैं क्यों करा. सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब नमस्कार एंड वेरी गुड मॉर्निंग. ते अज साडे नाल आ वेरी ब्यूटीफुल मेंडी तखना. मैं की हाल चाल है? सत श्री अकाल जी. ठीक है, थैंक यू. किवें गुजर रही है जिंदगी? बहुत बढ़िया, जिंदाबाद. जिंदगी जिंदाबाद. नवा की कर रहे हो अजकल? मतलब लाइफ दे विच कुछ चेंजेस लेके आंदी है? कोई नई हैबिट पाई होवे जां कोई पुरानी छड्डी होवे? नॉट रियली, जस्ट काम कर रहे हैं. राइट नाउ तो जिंदगी की जिंदाबाद की प्रमोशन चल रही है. Then कुछ और projects से काम चल रहा है. So in terms of habits, नहीं like habits समय के हिसाब ना तुसी habits अपनी उदा ढाल लेने हैं जो requirement है समय. मतलब तुसी जिंदगी slow कीती हुई आप कह सकते भी हौली 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 हर चीज कर रहे हो. तो जहाँ बंदा ये कहता भी जिदा जिदा आप करते रहने ना बंदा हो सियाणा होंदा रहिंदा जिहड़ियां जिहड़ी चीजा अच्छी उही करदा रहिंदा ते बाकी बहुत चीजा छड्डदा रहिंदा. Yeah, but I think वो ठहराव जिहड़ा आ वो मेरे च पहला तो ही सीगा. इन टर्म्स ऑफ मैनू किसी चीज का भी कदे रश नहीं सी, यू नो, ना वो पर्सनल लाइफ विच या फिर प्रोफेशनल लाइफ विच. सो आई वाज लाइक जो वधिया फील हुंदा है बेशक वो काम होवे वो पर्सनल होवे मैनू पसंद है कि मैं वही करा. तो कोई इंस्टाग्राम दी मैं गल करा बहुत लिमिटेड या पोस्ट दे विच मैं भी मतलब सेम ब्रांड दा पर्सनल आइडेंटिटी नहीं हुंदा. यू नो मैं हंस रही हां क्योंकि ए वन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू च मैनू इंस्टाग्राम दे बारे पूछा जांदा आ. एंड मैं ऑनेस्टली रियलाइज नहीं कीता कि इंस्टाग्राम इतना बड़ा हिस्सा बन गया अपनी जिंदगी दा. बन गया मोस्ट. या आई वाज लाइक ओके एवरीथिंग सारा कुछ इंस्टाग्राम मतलब इट्स लाइक के तुसी ऑलमोस्ट अपने होण दा ओही कहंदे एविडेंस दे रहे हो. एविडेंस दे रहे हो जे तुसी इंस्टाग्राम ते हो. एंड मैं है कि आई एम जस्ट नॉट मैं बस एक्टिव नहीं हां बिकॉज़ मैनू मैं कदे इन्नी हैव नहीं सी. लाइक थोड़ी बहुत हुंदी सी पहला लाइक अब जदों जदों नवा नवा शुरू होया सी कि हो ठीक है बट इट्स जस्ट एन ऐप. तुसी मैं ओही गल मैं तुहानूं कहला पहली बारी मैनूं कोई इहो जिहा इंसान मिलिया जिहड़ा मैनूं लग्गा वी हां मेरे नाल थोड़ा जिहा रिलेट करदे. मतलब इदां ने ओह चीज़ इक इमेज बन गई इंस्टाग्राम ते सोशल लाइफ वी सानूं दसणा पैंदा सी ते हैगे आ तां ही असीं वड्डे आ तां ही असीं कम कर रहे हैं. मतलब जरूरी नहीं आ वी इह चीज़ां. आई जस्ट फील के जिवें टिकटॉक बंद हो गया सी जी जे इंस्टाग्राम भी बंद हो जावे क्योंकि कोई भरोसा नहीं किसी चीज़ दा. आई एम जस्ट सेइंग जी जी जे बंद हो जावे फिर की आप इन्ना भी एक ऐप से डिपेंड नहीं कर सकते कि उन्हें अपनी रियल जिंदगी दे नाल इन्ना जोड़िया होया आ कि वह सारा कुछ उहदे नाल ही कनैक्टेड है कि आप जिंदगी जी रहे हैं ताकि आप इंस्टाग्राम से अपलोड कर सकीए जो मैं अक्सर देखा है, यू नो. सो वह मैनू इस फील्ड च भी थोड़ा लगता है कि तुसी एक्चुअली अपनी लाइफ डे टू डे इंजॉय कर रहे हो जो तुसी इंस्टाग्राम ले ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਟ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ. ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਭੇਜ ਦਿਓ. ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿਓ. ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ. ਯਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੂ ਰਾਈਟ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਲਿੰਕ ਰੀਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ. ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਭੇਜ ਦੋ ਬਟ ट्रैवल कर रही हूं या कुछ नवा देखा या कि नवे नवे रेस्टोरेंट ते गए या फिर कोई लाइक प्रोडक्ट नू प्रमोट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कोई भी फिल्म आ रही है या किसी दोस्त का प्रोडक्ट या उदी यू नो गाना या मूवी प्रमोट करनी है या कुछ भी किसी यू नो
ਜਿਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਲਵੇਸ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਰਾਈਟ ਜੋ ਬਣਦਾ ਆ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਹ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬੇਸਡ ਔਨ ਟਰੂ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ ਕੌਣ ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਲੰਚ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਮਿਲਣ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਉਦਨ ਗਾਣਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮੈਨਰਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਜਨਰਲੀ ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੜੰਗਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਜੋ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰੇਮ ਲਾਈਕ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਫਿਲਮ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਹੋਪ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ